गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि यह समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी भी किसी से हार नहीं सकता और न ही परेशानी में रह सकता है। गीता के 10 से 18वें अध्याय में क्या संदेश है, यहाँ संक्षिप्त में जानें। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का यह सार है कि जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के रूप हैं। 11वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटक होने लगा। दिशो न जाने न लभे च शर्म, यही घबराहट के वक्त उनके मुख से निकले। 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा में लगे रहते हैं, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। इसीलिए अर्जुन, तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर, इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 13वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाए रखने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, यह सब ज्ञान जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते वह अज्ञान है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम, नमक तीन गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं और प्राण की शक्ति के बारे में बताया गया है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के अस्वस्थ रूप का वर्णन किया है। यह अस्वस्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। 16वां अध्याय। असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वे बहुत ही घमंडी होते हैं। असुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर असुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ और दंड देता हूँ। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह सभी असत्य कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और ना ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। 18वां अध्याय। 18वां अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से नहीं पहचानती वही सात्विक बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र का पाठ करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आ रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।